अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 72। और आज के लेसन में हम देखेंगे सॉलिड यूनिट कमांड क्या होती है, सॉलिड यूनिट कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे और सॉलिड सब्जेक्ट क्या होता है और सॉलिड इंटरसेक्ट। तो आज के लेसन में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और सॉलिड एडिटिंग के ऊपर काम करेंगे कि सॉलिड मटेरियल या आपने जब कोई सॉलिड काम करते हैं तो उसमें आप एडिटिंग मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ जिससे आपको इन तीनों में फर्क समझ आ जाए कि इनमें क्या फर्क होता है और इस पर काम कैसे किया जाता है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे लेयर्स बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे लेयर जीरो पे जाता हूँ और इस लेयर जीरो को यहाँ पे जाके तो इसे मैं इस कलर जो देता हूँ वो बाय लेयर करता हूँ, कलर ओके करता हूँ एंड अब दोबारा जाके देखता हूँ मैं लेयर में। इस लेयर की प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये लेयर मैंने पहले बनाई हुई है, तो मैं पहले वाले इस लेयर को डिलीट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेयर डिलीट हो गई है और दूसरी जो लेयर है इसमें जो कलर है इस कलर को मैं बाय लेयर करता हूँ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ, ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। और अब मैं इसके ऊपर कुछ और काम करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पे जाके तो अपने कोई भी शेडेड ग्रे पे क्लिक करता हूँ तो एक ग्रे शेडेड में हमारे पास सामने आ रहा है। अब मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको भी एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर, या फिर आप यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। और एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाले एजेस को मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके एंटर, एक्सट्रूड कर लिया। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक और काम करता हूँ, इसी को मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ता हूँ सेंटर से और इसको यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर लगा रहा हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ओके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ अब, ओके। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जी, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश की, ओके अब मैं फॉर एग्जांपल अब ये जो दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं इसके ऊपर एक और फॉर एग्जांपल एक सर्कल लगाता हूँ या फिर मैं इसके ऊपर सी एंटर करता हूँ, सी एंटर, सी एंटर। अब वो सिर्फ समझाने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, सी एंटर और यहाँ पे भी सी एंटर, एक्सट्रूड करता हूँ इसको भी, इनको भी, ई एक्स टी एंटर, इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया एंटर और इनको अब मैं हाइट देता हूँ,
ओके जो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे नीचे चले गए, हाँ लेकिन इनको मैं हाइट अप देना चाह रहा था लेकिन ये नीचे चले गए। कंट्रोल जेड करता हूँ, टू डी वायर फ्रेम लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से नजर आए। ओके अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, डी एक्स टी एंटर। ओके अब शेयर देता हूँ। ओके जी ये देख सकते हैं, और ये जो मैंने शेड दिया ये क्योंकि कलर इसका ऐसा कलर आ गया, तो आप यहाँ से इसका कलर जो है ना शेडेड में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप शेडेड ये वाला दे दें। अब देखें एक ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब ये जो ऑब्जेक्ट ड्रा हुआ है तो इसमें हर एक कॉर्नर और ये आपको लग रहा है कि हर एक सेपरेट है, जब मैं क्लिक करता हूँ ये अलग से सेलेक्ट होता है, ये अलग से हो रहा है, ये अलग से हो रहा है, हर एक अलग अलग से सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इन सबको आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ। तो जोड़ने के लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा वो करूँगा सॉलिड यूनियन। तो सॉलिड यूनियन कमांड जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये आपके पास है जी सॉलिड यूनियन कमांड है, क्लिक करें तो अब आपको कह रहा है यहाँ पे नीचे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे राइट क्लिक या फिर एंटर कर दें। तो अब आप देखें कि आपकी कमांड सॉलिड होगी। आप देखें मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरे के पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और सॉलिड हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास एक और कमांड है जो कि है सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि जो सब्ट्रैक्ट होगा उसके लिए आप यहाँ से वो काम नहीं होगा। तो अब मैं एक और काम करता हूँ, फिलहाल इंटरसेक्ट का काम करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट का काम यहीं पे करता हूँ। उसके लिए मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर करके शूट किया। अब इस सर्कल को मैं इसके बीच में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब डिलीट करूंगा तो मेरे पास वो डिलीट हो जाएगा और सर्कल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो उसमें से कोई ऑब्जेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उससे माइनस करना चाह रहे हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, सब्ट्रैक्ट कमांड सॉलिड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए आपने सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट क्लिक करना है, और अब आपसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट सॉलिड सरफेस एंड रीजन टू द सब्ट्रैक्ट फॉर्म, तो मैं सॉलिड सरफेस पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट से इसमें से मैं इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करें या एंटर करें या स्पेस करें, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। देखें ज़रा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट कमांड है आपके पास तो वो है जी इंटरसेक्ट है, तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल सी एंटर करता हूँ और वो इस कॉर्नर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कॉर्नर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ इसको, एंटर, एक्सट्रूड हो गया, और इसको मैं थोड़ा और एक्सट्रूड करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको और इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ओके। अब ये जो एरिया है मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये सब्ट्रैक्ट हो जाए यहाँ तक, ये क्या हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाए। सब्ट्रैक्ट में देखें इसका बैक साइड भी आप देख सकते हैं, ऐसा बैक साइड है, तो मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, सॉरी इंटरसेक्ट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट कमांड थी वो थी हमारे पास सॉलिड इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट पे क्लिक करें और आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया एंटर, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, देख सकते हैं।
तो ये कमांड थी जी आपकी इंटरसेक्ट कमांड थी, देख सकते हैं आप। और इंटरसेक्ट के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें, इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी मैंने वो काम नहीं किया, मैंने सिलेक्ट करना है पूरे ऑब्जेक्ट को, इंटरसेक्ट जो बाहर वाला एरिया हो सारा का सारा आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा, देखें तो ये इंटरसेक्ट हो गया। तो ये थे जी आपकी कमांड इंटरसेक्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेसन में कुछ नई कमांड्स के साथ आएंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन कमांड्स को बार बार प्रैक्टिस करें, जैसे कि स्मूथ ऑब्जेक्ट हमने किया था, उसके अलावा हमने मैश किया था, मैश में आप मैश जो है तो मॉडलिंग भी कर सकते हैं, तो इस पर भी आप काम करें ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रेस पुल जो कि बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं, और इस पर भी आप काम करें, और इससे आप बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सॉलिड एडिटिंग कर सकते हैं, एक्सट्रूड है, बॉक्स है, तो इन सब के ऊपर आप अच्छी तरह से काम करें ताकि आप एक प्रोफेशनली काम कर सकें और प्रोफेशनल तौर पर आप ऑटोकैड को यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।